हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इस मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी सेल आउट होती है। और क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बढ़िया लुक्स मिल जाते हैं, एक बढ़िया कैबिन मिल जाता है और एक अच्छा माइलेज वाला इंजन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी रिफाइंड है। तो ये काफ़ी अच्छे रीज़न है इसको बाय करने के। और टॉप मॉडल में जाओ तो इसमें आपको वही मिलता है जो पहले आपको बलिनो RS में मिलता था, जिस वजह से उसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। बाकी सामने आप जो मॉडल देख रहे हो, ये इसका डेल्टा मॉडल है, जिसकी कॉस्टिंग आपको 9,70,000 रुपये पड़ती है। कि फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से, इस तरह से ग्रिल का डिज़ाइन यहाँ पे दे रखा है। ऊपर आपको इंडिकेटर के फंक्शंस मिल जाते हैं, DRL के फंक्शन भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, और नीचे आपको बड़े से हेडलैम्प्स मिलेंगे। इस मॉडल में आपको हेलोजन सेटअप मिलेगा। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, सब कुछ बेसिक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। साइड की तरफ को आएंगे, साइड से जो लुक है वो कुछ इस तरह से मिलता है। अलॉय व्हील का ऑप्शन इस मॉडल में नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टील रिम मिलते हैं व्हील कैप के साथ। रियर के ट्यूबलेस टायर्स लगे हुए हैं, 16 इंच की यहाँ पे प्रोफाइलिंग रखी हुई है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलता है, जिस वजह से अगर गाड़ी में 4 लोग हैं तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों में कार ईजिली चली जाती, टकराने का डर नहीं होता। ब्लैक कलर के ORV में इनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से, लेकिन कोई ऑटो फोल्ड का ऑप्शन नहीं है। इस तरह से डोर हैंडल में होम फिनिश यहाँ पे दे रखा है। गाड़ी में कुछ एक्सेसरीज के पार्ट भी लगे हुए हैं, और जो फ्यूल टैंक है वो को ड्राइवर साइड की तरफ को दे रखा है। बाकी पीछे का लुक कुछ इस तरह से आता है, मतलब ये गाड़ी पीछे की तरफ से ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब अगर आप गौर करेंगे, जो टेल लैम्प का डिज़ाइन दे रखा है, जो बम्पर का डिज़ाइन है, काफ़ी बल्कीनेस यहाँ पर लगती है, बहुत मैच्योर लुक यहाँ पर पीछे की तरफ से आता है। बाकी बम्पर कुछ इस तरह से, 4 पार्किंग सेंसर्स रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर दे रखे हैं, स्प्लिट यहाँ पे टेल लाइट मिलती है। हाँ, इस मॉडल में आपको कोई डिफॉगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही कोई कैमरा मिलेगा इसमें। अब बूट की बात करते हैं तो बूट इसमें काफ़ी अच्छी है। इसको खोलता हूँ ज़रा मैं, तो ये देखो भैया, काफ़ी बड़ी बूट स्पेस है, तो यहाँ पे अच्छा खासा लगेज आप कैरी कर सकते हो। और बढ़िया बात तो यह है कि इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है इस डेल्टा मॉडल में, और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही मिलते हैं। इसको एक बार घुमाते हैं तो ये देखो भाई, कुछ इस तरह से आप इनको फोल्ड कर सकते हो, तो अपना एक बंदा पीछे ही बैठ सकता है और काफ़ी सारा लगेज भी यहाँ पे कैरी कर सकता है, और ये काफ़ी डीप है। बाकी देखो साइड में यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा स्पेसिंग भी आपको दे रखी है। इससे पार्शल ट्रे का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, तो इसको करते हैं बंद। तो गाड़ी का जो ओवरऑल एक्सटीरियर है वो हमने एक सिंपल वे में देख लिया, मतलब गाड़ी बाहर से देखने में काफ़ी अच्छी है, स्पेशली इसका पीछे का जो लुक है। अब चलते हैं फ्रंट पोर्शन। उससे पहले आपको मैं गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे आपको रिमोट की मिलती है, जिसमें आपको वही बेसिक से लॉक अनलॉक वाले जो फंक्शन है वो मिल जाते हैं। और अब सबसे पहले ड्राइवर सीट की तरफ को चलते हैं, तो डोर को खोलते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले डोर की बात कर लेते हैं, तो एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको डोर में सॉफ्ट टच दे रखा है, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, जो कि थोड़ा प्रीमियम लगता है। बाकी वाटर बॉटल होल्डर है, 1 लीटर की वाटर बॉटल आ जाती है। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर साइड आपको वन टच डाउन का फंक्शन मिल जाता है। स्पीकर्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, स्पीकर यहाँ पे 4 आपको मिलने वाले हैं। बाकी सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। इसमें भी एक्सेसरीज में देखो, ये सीट कवर लगा रखे हैं इस तरह से, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से फिट हो रखे हैं इसके ऊपर, तो एक अच्छा सॉफ्टीनेस यहाँ पर मिल रही है, कम्फर्ट आपको पहले की तरह अच्छा मिलेगा। बड़े एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं यहाँ पे, देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन मिल जाएंगे। हाँ, स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं आता, मैन्युअली गाड़ी को आपको की से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। AC को थोड़ा सा बंद करते हैं ज़रा, इसका फ्लो काफ़ी तेज है। यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया बात है, नीचे के मॉडल से आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं मारुति में। बाकी वही फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है, इसमें कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा स्टेयरिंग व्हील है। यहाँ पे वाइपर्स दे रखे हैं और लाइट्स के यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं। इस तरह से स्पीडोमीटर है, बेसिक सा है लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है स्पीडोमीटर। बीच में ट्रिप मीटर है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ओल्ड फैशन वे में इस तरह से आप बटन दबा के इसको सेट कर सकते हो उसके ट्रिप को, जिसमें आपको और बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है। कि यहाँ पर आएंगे तो ये जो देख रहे हो ये एक्सेसरीज का पार्ट है, इसमें लगा हुआ नहीं आता है इस तरह से। आप चाहो तो इस तरह से अपनी गाड़ी में अगर आप लेते हो ये वाला मॉडल तो लगवा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको ही बेसिक बेसिक कंट्रोल्स मिलते हैं, ये देख रहे हो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दे रखा है। नीचे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, फ़ोन रखने के लिए स्पेसिंग मिल जाती है, 2 छोटे से कप होल्डर्स आपको मिलेंगे। इस तरह से 5 स्पीड का बेसिक सा गियर नॉब है,
आर्मरेस्ट नहीं आता इस मॉडल में, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन सीट में कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मतलब सीट कवर लगाने की वजह से थोड़ी और सॉफ्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और अंदर सपोर्ट काफ़ी अच्छा इसे मिल जाता है। बैक सपोर्ट तो एज यूजल बढ़िया ही है इस कार में, कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम स्पेस भी काफ़ी इनफ है और बैक सपोर्ट आपको लंबे सफ़र में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करने वाला है। बाकी जो ग्लव बॉक्स की स्पेसिंग है वो आप यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाती है। और रिमोट किस चीज़ का है ये? अच्छा, ये जैसी जो सामने जो इंफोटेनमेंट लग रखा है इसी का कंट्रोलर यहाँ पे आपको मिलेगा इसके साथ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है, ये देख रहे हो, इसको देख के पता नहीं क्यों ग्रैंड विटारा की मुझे याद आ रही है, क्योंकि उसमें भी कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन आपको मिलता था। बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता, बस एक स्ट्रैप मिलेगा, और को ड्राइवर साइड आपको इस तरह से यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता है। बीच में कोई लाइट भी नहीं है, देनी चाहिए थी, खाली सेंटर में एक लाइट आपको मिलती है हेलोजन में, जो कि मेरे ख्याल से उतना इनफ नहीं है, आगे भी होनी चाहिए। बाकी सॉफ्ट ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और बाकी यहाँ पे फिट फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी, डिज़ाइन भी इसका काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो फेक कार्बन फाइबर की फिनिशिंग दे रखी है, जैसे यहाँ पे देख लो सेंट्रल कंसोल में इस तरह से दे रखी है, एसी वेंट के ऊपर यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे देख लो एसी वेंट के यहाँ पे साइड नीचे की तरफ को दे रखा है। तो जिस वजह से है ये फेक ही, लेकिन इसको लगाने की वजह से थोड़ा सा एक अच्छा लुक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी डोर में आपको सॉफ्ट टच दे रखा है इस तरह से, तो कैबिन थोड़ा प्रीमियम लगता है, ऐसा लगता ही कि नहीं ये नीचे का मॉडल है बहुत ही। बाकी हर जगह इस तरह से देख, बाकी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ हो रखा है। आ गए हम पीछे की सीट में, तो ये देखो पीछे की रो कुछ इस तरह से दिखती है। पीछे भी स्पेसिंग आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, सीट्स का एंगल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको जो अंदर सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है, तीन एडजस्टेबल एड्रेस दे रखे हैं, तो हेड सपोर्ट सब कुछ काफ़ी अच्छा रहेगा। छोटी फैमिली के हिसाब से काफ़ी बढ़िया कार है। बाकी डोर में देखेंगे तो पीछे भी आपको सॉफ्ट टच दे रखा है, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। वाटर बॉटल होल्डर दे रखा है, स्पीकर यहाँ पे आपको दे रखे हैं। और अब चलते हैं अंदर, जैसे देख सकते हो लेगरूम स्पेस बहुत ही अच्छा है। अभी ड्राइवर को ड्राइवर सीट थोड़ी ज़्यादा आगे को रखी है, लेकिन तब भी देख रहे हो काफ़ी बढ़िया स्पेसिंग यहाँ दे रखी है। कुशनिंग सीट की काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, भले सीट कवर की वजह से, आप भी ज़रूर लगाना, अच्छा लुक भी आ रहा है और कंफर्ट भी बढ़िया मिलेगा। हेडरूम स्पेस भी बहुत ही अच्छा है, तो लंबे लोग अगर पीछे बैठे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी बीच में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा कुछ इस तरह से, उसी के ऊपर थोड़ी स्पेसिंग है ताकि अपना फ़ोन भी आप यहाँ पे रख सको इस तरह से। बाकी पीछे की तरफ से जो फ्रंट का व्यू है वो कुछ इस तरह से आता है, लेकिन 4-5 लोग इस कार के अंदर एक आराम से बैठ सकते हैं, उनको कंफर्ट के मामले में, स्पेसिंग के मामले में इस कार में कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। और अब लास्ट बात करते हैं इस कार के इंजन के बारे में, जो कि रह गया था। तो यहाँ पे अभी भी आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि अमेजिंग है। ऊपर इस तरह से आपको इंसुलेशन भी मिल जाएगा, लेकिन अब इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि अच्छी खासी पावर निकालता है। गाड़ी के हिसाब से पावर बढ़िया है, वेट पावर टू वेट रेशियो से ये गाड़ी काफ़ी हल्की है। बाकी नीचे देखो इस तरह से अंडर बॉडी प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको दे रही है, जो कि इंजन को नीचे की तरफ से प्रोटेक्ट करती है। तो माइलेज भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, 20 प्लस का माइलेज इस कार से आप ईजिली हाईवेज़ में निकाल लेंगे। स्विफ्ट में आपने देख रखा है 3 सिलेंडर हो चुका है, तो 3 सिलेंडर में हल्के हल्के एक वाइब्रेशन रहते हैं, लेकिन मारुति का कहना है कि इनके 3 सिलेंडर में ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो भी कहो 4 सिलेंडर इंजन का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। तो ये गाड़ी हमने आपको अच्छे से दिखा दिया, मतलब इस कार का जो एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, और जो कैबिन स्पेस है, इंजन स्पेक है, वो सब चीज़ें हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं। तो आपको ये कार कैसे लगी कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से बताते हैं, इस कार का जो प्राइस है वो आपको ऑन द रोड लगभग 9,70,000 रुपये तक पड़ता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल में नए आ रखे हो, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं आपको ऐसी और ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।